आज 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका 11 दिसंबर का ये पेपर है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री ग्लू बल्स आ जाएगा यहाँ से, अब्राहम लिंकन आ जाएगा। पालमपुर गाँव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? तो 2 आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका, भारत के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। चलिए इसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो सितंबर 1939 में हुई थी। ठीक है, नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। जा दीदी कहा जाएगा सुधारवादी। ठीक है, रूसी साम्राज्य सक्रियता मुस्लिम सुधारवादी। ठीक है, और वाइमर गणराज्य की स्थापना इसका जाएगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इसका अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल व नगद पैसा, ठीक है, कच्चा माल व नगद पैसा। कार्य पूंजी शिल पूंजी चीन का जाएगा राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण लिखिए, परिवहन संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939। यूनानी में क्रोसिया का अर्थ होता है शासन। वर्साइस की संधि कब हुई थी? 28 जून को। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? असत्य है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, भैया 940 है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, गलत बात है। पालमपुर का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, गलत है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, सत्य बिल्कुल है। यहां से आप तो देखिए वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी जो बच्चा करना चाहेगा, ठीक है, उसके लिए अपन 5 तरह के पेपर प्रोवाइड करा देंगे, उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये आपको अर्धवार्षिक पेपर देने के तुरंत बाद आपको जब 13 दिसंबर के दिन आप फ्री हो जाओ, 12 के दिन 13 दिन छुट्टी मनाओ, 14 से बिल्कुल तैयारी में लग जाना है ना। चलिए क्योंकि आपके पास समय कम है। फिर वनों के 2 महत्व लिखिए, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम और गुण लिखिए। प्रवासी पक्षी क्या है? जीविका संकट, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके 2 प्रभाव। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिएगा, ठीक है। नेहरू जी के अनुसार भारत के सपने किस तरह से विश्व से जुड़े हुए? संविधान, ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। संविधान संशोधन क्या है? भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख आपको दोष बताने हैं, ठीक है भैया। यहाँ से इसके बाद में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? बढ़िया से मेहनत करो, जो बच्चा मेहनत करेगा अच्छे अंक उसी को मिलेंगे, है ना। ये हर किसी को नहीं मिल जाते, तो उठा और चला 3 प्रश्न याद करे और नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा भैया, है ना। अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, जो चीज बता रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करोगे तब जाके टॉपर बनोगे। 10वीं की पूरी जवाबदारी है, किसी को 1 रुपया शुल्क मत दीजिएगा, फ्री एकदम सारी चीज आपको पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर, है ना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चारावाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। भारत के राष्ट्रपति